इसकी आंखें इंग्लिश नहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. It is not conducted in today, but she has told me tomorrow, by the way, conducted maybe. Send me the data what you got from L&T so that I can check that is Exactly, sir. So that means I'm totally confused because, sir, she was, you know, sir, Yesterday, she was called me and she was told me, sir, मतलब कल मुझे कॉल आया था सर उसका, तो वो मैडम मुझे क्या बोल रही थी, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, बोल रही सॉरी सर, आपको थोड़ा मैं बोल दू, वो क्या बोल रही थी, मैं नोएडा से बोल रही, मैं नोएडा से बोल रही बोल के कि आपका रेज्यूमे मुझे मिला है, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, मैंने बोला हाँ मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, उसने बोला किस प्रोफाइल पे, मैंने प्रोफाइल का नाम बोल दिया सर, मैंने जे एज रेविट मॉडलर पे अच्छे, तो उसने बोला ठीक है, उसके बाद मुझे सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह पूछा, एक्सपीरियंस वगैरह पूछा, मैंने बोला कि मेरे पास चार मंथ का मतलब इंटर्नशिप का है एक्सपीरियंस, मैं इंटर्नशिप अभी कर रहा हूँ, तो फिर उसने क्या बोला कि मैं मतलब मेरा कंपनीज मतलब आपका रेज्यूमे फाइट कर देते हैं, मतलब फॉरवर्ड कर देते हैं और MNCs में, और वहां से आपको कॉल आएगा और वहां आपको एक आप जो सर ये भी उसने बोला पता है सर कि कोई भी ऐसा कॉल आए और आपको पैसा के लिए बोले तो मुझे इन्फॉर्म करना क्योंकि हमारी कंपनी पैसा नहीं तो मतलब मांगती है, हम उनसे पैसा लेंगे जहां से आपको जॉब लगेगी, हमें खुद कंपनी हम पैसा देंगे ना कि मैं आपसे पैसा लूंगा, तो मुझे थोड़ा जेन्युइन भी लगा क्योंकि ऐसा बोला उसने, फिर मैंने बोला चलो ये भी अच्छा है, तो मैडम ने बोली कि आप अपना रेज्यूमे वगैरह मुझे सेंड कर दो, पोर्टफोलियो वगैरह मैं फॉरवर्ड करती हूँ अपने सीनियर को, तो मैंने सर बुक भेज दिया उसे, फिर आज मुझे फिर कॉल आया था वो, तो उसने बोल रही थी कि मैंने L&T में आपका रेज्यूमे मतलब किया है वो फॉरवर्ड, आपका इंटरव्यू आज 11 से 7 बजे तक हो सकता है, मेबी कल होगा जूनियर रेबिट मॉडलर के पोजीशन पे, हाँ हाँ इंटरव्यू वो ऑनलाइन ही था सर, ऑनलाइन ही मतलब कंडक्ट ठीक है सर. एक बात आप जो बोले थे ना करने के लिए वो शॉर्ट वीडियो, सॉरी सर मैं आज कर नहीं पाया, मैं कल सवेरे में आपको मैं भेजता हूँ सर, हाँ मॉर्निंग में आपको तुम्हारा
चंडीगढ़ सेक्टर 34 में वो इंटरव्यू रहा होगा और चंडीगढ़ में जहाँ पर हुआ है ये मुझे वो जगह भी पता है और या फिर मोहाली में अगर हुआ होगा वो भी जगह मुझे पता है या तो मोहाली में होता है जहाँ पर सेक्टर 8 में होता है ये फ्रॉड और एक होता है चंडीगढ़ में सेक्टर 31 में तुमको मैं इससे याद आया कि हम लोग इतने रोजगार समाचार और उसमें हफ्ते में एक बार आता था उसमें क्लिक्स होती थी कहाँ कहाँ ऑफिस निकली हुई है तो हम लोग उसके पेपर की कटिंग्स को लेकर उसको लिखते थे और फिर उस जगह पे जाते थे इंटरव्यू देने के लिए। साथ में भी अगर देखा होगा पहले अखबार में भी ना एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक शॉर्ट आता है जिसमें ओपनिंग्स बताता था आप पता नहीं है कोई पढ़ता नहीं तो हम लोग वही लिख जाते थे दुबई में सऊदी में ₹200 पर उन्नीस बताऊंगा अजीब बात भी है। मैंने बोला यार मैं पेटीएम कैसे कर सकता हूँ मेरा मोबाइल सिंपल वाला मोबाइल है ठीक है तो मैंने बोला कि मैं तुमको फेस टू फेस आके दे दूँ तो नहीं फेस टू फेस नहीं आपको पेटीएम किसी से करवाना पड़ेगा मैं उनको ऐसे बाहर था दूसरे क्या मैंने किसको मैं बोलूँगा पेटीएम कर लेते हैं तो फिर मैं क्या बोलते उससे बोला तो बोला कि ठीक है आप क्या करो प्लीज ये है यहाँ पे चले जाओ और जाके वहाँ पर देख के आ जाओ और इंटरव्यू देने के बाद मुझे क्या बोलते हैं किसी से पैसे भिजवा देना यहाँ पर है भेज देते कि अपना 200 आ जाएगा वो ₹200 पर ओपनिंग बताता था। ऐसे बहुत सी कंसल्टेंसीज है जहाँ पर ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर दिल्ली में तो बहुत ज्यादा होता है वो जो मेट्रो टावर्स है मेट्रो के जो पिलर्स है इनके पिलर नंबर 18 पिलर नंबर क्या बोलते हैं 20 इन सब जगहों पर बहुत सी फेक कंसल्टेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल है। इवन मतलब व्यक्ति भी इस चीज में कैरियर बनाना चाहता था सबका मतलब मेरा ये प्लान था हायर सम लाइक HR पर्सन है और उसको मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली ये तो करना पड़ेगा ना कुछ मैं सोचा कि ऐसा करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं जिसको जॉब चाहिए वो 500-1000 जो भी उसका बनता है उसके हिसाब से पे करें बट मैं सिर्फ और सिर्फ इस बदनामी की वजह से इस काम को नहीं किया क्योंकि इस काम में कई लोग इतना फ्रॉड कर रहे हैं कि अपना इमेज खराब हो जाता है इसलिए मैंने इस पेपर नहीं किया और ये काम नहीं कर जो है अपनी सब चीज बता देता अभी भी ये 500-1000 रुपए वाला काम नहीं करने का पता चला उसके चक्कर अपना नाम खराब हो गया ये बहुत गंदा काम करता है। सर आपने
आपने जैसे सर आपने स्टार्ट किया ना गुरुकुल मतलब स्टार्ट किया तो सर आपके जैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं बट वो लोग अभी अपना अपना स्किल्स को तब यूज नहीं कर रहे। बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो सर, आप लोग टैलेंटेड हो तो जैसे 100 में से एक आधे से निकलते जो बहुत ज्यादा अच्छे टैलेंटेड होते हैं तो उन लोग को अपना स्किल्स मतलब यूज करना चाहिए जैसे आप यूज कर रहे हो सर। तो अगर ऐसा मतलब एक अवेयरनेस आ जाए ना कि मतलब वो चाहे कोर्सेज के उससे हो या फिर कैसे भी कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो अगर ऐसा अवेयरनेस आ जाए ना तो ये सारी चीजों से लोग दूर भाग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आज जो जॉब की प्रॉब्लम्स है ना आज जो जैसे 10,000 में भी लड़के करने को तैयार हो जाते हैं अगर आपके जैसे टीचर अगर मतलब अगर मुझे कॉलेज टाइम में मिले होते तो आई थिंक मैं कॉलेज में ही अच्छा पैकेज मारता। और ये जो छोटा छोटा स्ट्रगल करके जो 4 साल 5 साल जो चले जाते हैं लोगों के वो मतलब इतना गैप नहीं आता ये जो मेरे हिसाब से जो मैं वीडियो का सिस्टम लेके आया हूँ कि गूगल में वीडियोस बनवा रहा हूँ सब रीजन ही यही है अवेयरनेस। जी सर तो अभी जो एक्सपीरियंस है तो ना ऐसे करके कि हमने ये स्ट्रगल ऐसे से फेस किया हुआ है तो एवरीवन इज गोइंग टू वॉच एटलीस्ट जितने वॉच करेंगे उतने अवेयर होंगे। नहीं सर मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं बना के दूंगा सर क्योंकि मैंने कुछ आज सोचा भी है दिन में कलाम से भी थोड़ा कुछ डिस्कस किया है। इसको याद मत करना कंटेंट ऐसे कि अगर याद करोगे तो परफॉर्म नहीं हो पाता है ठीक है। दिल से निकालोगे ना कोई भी कंटेंट में ना कभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि आप कंटेंट को कभी लिख लिया करो क्योंकि जैसे सब कभी देखते हो ना यूट्यूब में जितने लोग बनाते हैं 99% लोग कंटेंट को अपना लिख रखते हैं सामने टीवी कंप्यूटर रखते हैं उससे पढ़ते हैं या फिर लैपटॉप वगैरह से पढ़ते हैं। मैंने आज तक अपना कंटेंट कभी भी पढ़ा ही नहीं मतलब कभी कंटेंट वगैरह सोचा नहीं जस्ट जो दिल से आता है वही बता देता हूँ। सर आप मतलब जैसे इतना इतना आप जो है आपने इतना स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना शुरू कर दिया है आप भी तो हमारे जैसे ही कभी जॉब कर रहे होंगे आपको ये इंस्पिरेशन किधर से मिला कि मतलब कैसे करना चाहिए। हाँ ये अच्छा है कि मिला एक्चुअली ये बिना पता ज्ञान लॉकडाउन से मिला मुझे लॉकडाउन से मिला लॉकडाउन में गुरु का कॉन्सेप्ट पता कैसे मिला एक लड़का जो सुबह की पढ़ाई करते हैं तो क्या बोलते हैं मतलब अपने तो उसने मुझे फोन करके परेशान कर दिया था सर बता दीजिए अभी मैं साइट पर हूँ मैं कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाऊँ साइट पर नहीं करके पास नहीं करूँ साइट पर था तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करके सीवी क्रिएट करो मैंने उसको प्रॉपर सीवी मैंने बनवाया एडिट करवाया एडिट करवाने के बाद उसको मैंने बोला कि आप अप्लाई करो तो मैं शॉर्टलिस्ट पक्का हो जाएगा बिलीव नहीं करो दूसरे दिन शॉर्टलिस्ट हो गया वो जॉब पे लगे उसको गया तो मैंने उसको बता दिया यही यही पूछेंगे और मुझे तीसरे महीने फिर से उसको नई जगह पे जॉब ऑफर आया और पहले जो उसकी सैलरी थी वो 12,000 रुपए अब दूसरी जगह जहाँ पर अप्लाई किया वो 18,000 रुपए गाइड करता गया बिना कुछ सोचे ऐसे गाइड करा था कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसको मैं गाइड कर रहा हूँ तभी इसको डायरेक्शन मिलता चला जा रहा है फटाफट ही चला जा रहा है जो अभी करेंट सैलरी होने वाली 40,000 बनी हुई है केवल 14-15 महीने हुए हैं और मैंने उसको जैसे से बताया उसने खुद मुझे दो दिन में दो लोगों को बताया कि सब मिला के मैंने देखा कि मैंने उसको गाइड किया तो ग्रोथ पाता चला गया। उसके बारे में पता क्या कर रहा था वो 6,000 रुपए पर साइट इंजीनियर के तौर पे एक वीजा करने चला गया वहां पर काम कर रहा था और रात तक पूरा सुबह से उठता था अपनी रात में 6,000 रुपए मुझे लगा बहुत काम कराते हैं मुझे लगा कि अगर इसको डायरेक्शन अगर 6,000 रुपए में करा तो यहाँ तक पहुंच गया डेफिनेटली अगर और लोगों को गाइड मिलेगा तो डेफिनेटली वो गिरे पे पार होते चले जाएंगे। तो अब मेरे वहीं से मेरे दिमाग में आया मैं बैठता हूँ मैं अपनी डायरी में नोट्स लिखता हूँ जैसे लिख रहा था फंडिंग का क्या निकल गया इसका चेंज हो सकता है अगले लोगों को और चेंज कर सकते हैं ठीक है। मैंने पंद्रह में बनी नहीं क्योंकि ये स्ट्रक्चर सब भी दोनों अलग अलग प्रोफाइल है मैंने पीस किया और फिर दोनों की मैच कर चुके तो इससे भी बड़ा आपको लगा मुझे मैं बेस्ट पर परफॉर्मेंस देख के मैं खुद हैप्पी होता हूँ मुझे आगे नहीं था कि कितना ये गुरुकुल सर किधर से आया आपको नाम मतलब गुरुकुल क्या है बड़ा यूनिक है। हाँ
मतलब दिमाग में आ गया कि ऐसा कुछ मतलब ना होना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या, मैंने इसको ना ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा था, इसमें मेरे बिजनेस का माइंड नहीं था, इसमें मेरा माइंड नहीं सर, आप बिजनेसमैन हो भी नहीं, आप टीचर हो, तो इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो क्या करते हैं रूल्स को फॉलो करने वाला हो, रूल्स को फॉलो करो रूल को नहीं करते थे, वहां पे मेरे कॉन्सेप्ट आया इस तरह ये सर मैं एक बार ऐसे ही मतलब अपने अपने कुछ मेरे कुछ कलीग थे तो मैं वहां पे ऑफिस में गया था, मैं अपना व्हाट्सएप पे सर्च कर रहा था तो सडनली आपके ग्रुप का नाम आया ना सी गुरुकुल, तो ये बोल रहे ये कौन सा है सी गुरुकुल, तो मैंने बताया उनको मतलब ब्रीफ किया कि ऐसे ऐसे मैं करता हूँ पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, तो बोले अच्छा बोले बड़ा अच्छा नाम है ये गुरुकुल, तो मतलब इसको मैं थोड़ा सा ना फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा बड़ा करते हैं, बट बड़ा करते समय मैंने इसका नाम स्किल्स गुरुकुल सोचा कि स्किल्स गुरुकुल रखते हैं, और उसका मेन रीजन ये था कि मैंने सोचा कुछ और लोग होंगे, अभी मेरे पास काफी लोग होंगे 12 लोग टीम के, तो मैंने सोचा कि इसमें से कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, उसमें से एक लड़की है सिस्टर ही करती है, तो उसने बोला कि क्या बोलते भैया मेरी इंग्लिश अच्छी है, और तो मैंने सोचा कि यार इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि जो हमारे कम्युनिकेशन के ग्रुप्स है उसमें उसको जॉब चाहिए था एक्चुअली बेसिकली, तो उसको जॉब चाहिए था, मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं इसको सैलरी देने में मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो मान लो कि 15,000 रुपये का खर्च आएगा, मैंने सोचा कि 15-20,000 रुपये का जा रहा है और उससे तुम लोगों को बहुत इफेक्ट मिलने वाला है सर, उससे प्लेसमेंट जो है अच्छा निकलेगा, अभी जैसे जैसे अपने ग्रुप में ना मतलब आप डिस्कस कर रहे थे, मैं ऐसे मतलब मैं किसी की ऐसे वीकनेस और इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर जैसे बत्ता है ना, बत्ता इज वेरी शाई गाय है ना, बहुत अच्छा बहुत टैलेंटेड है और वो बहुत शाई है, मैंने खुद ही एक दो बार उससे बात करने की कोशिश किया, मतलब कलाम के साथ ही रहता है, बट हमारा और कलाम का रिलेशन बहुत डीप है, उसका नहीं है मतलब ऐसे जो दोस्त है अपने उनके लिए बहुत अच्छा होगा सर, क्योंकि क्लास है तो मैंडेटरी रहेगी, वही मैंने सोचा कि मतलब अपने से लोग ग्रुप बना रहे हैं ना तो वो नहीं बन पा रहे, और मेरे साथ टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने उनको हेल्प करने की ऑफर दिया, मैंने बोला क्रॉस मंडे के आसपास, नहीं सर इससे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी सर, बहुत अच्छी होगी सर, मैं बहुत खुश हुआ सर, क्योंकि अब मेरा लगता है कि क्या फाइनेंस होगा, और इससे मुझे मतलब ये बेनिफिट हुआ ना, मैंने कहा कि देखो अभी मैं 3 साल का अफोर्ड कर सकता हूं, मेरी बहुत बड़ी बात नहीं, मान लो कि 5 साल का अफोर्ड कर लूंगा आराम से, उसके बाद क्या होगा कि डेफिनेटली अगर जो अगर सामने वाला ने बोला कि अभी मुझे और चाहिए पेमेंट, फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि कुछ अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर दूंगा, 100-200-500 रुपए बच्चों की तरफ से करवा दूंगा, और 100-200 सभी पे कर सकता ठीक है, और मुझे लगता है 100-100 भी पे किए 2,000 रुपए हो गया एक बैच से, पूरा मिला के करेंगे 4-5 बैच मिला के 10,000 के आसपास आ जाएगा, 10,000 रुपए पे कर दूंगा उसको ट्रेनर मिल जाएगा सर, यही मेरे माइंड में आया था, नहीं सर ये ओके है, बहुत अच्छा प्लान है सर, अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम लोग और हम लोग को ना बहुत अच्छा इसे सपोर्ट मिल जाएगा, बिकॉज हम लोग भी दिन भर सर साइट पे रहते हैं, पता नहीं किससे किससे मिलते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये तो पहले की है, तो अभी वो थोड़ा बहुत ब्रश अप रहता है तो चलता है, अभी ऐसे फ्लो मतलब जिसको नहीं आता ना तो वो भी थोड़ा बहुत सीख करके एटलीस्ट इज गोना क्लियर द इंटरव्यू, एग्जैक्टली बस वही टारगेट है, मतलब मैंने उनको यही बोला है कि क्या बोलते हैं आप कोई भी टॉपिक ले लो उस टॉपिक पे सबके व्यू लो ठीक है, और जो उस टॉपिक पे अपना व्यू नहीं दे रहा है उसको रिमूव कर दो, तो दिन दिमाग खुद ही समझे गया भी जितनी बोली है कुछ तैयार कर जाएंगे, और टॉपिक का नाम एक दिन पहले मैसेज कर, हाँ उसे कुछ प्रिपेयर हो जाएगा तो कुछ लिख करके या कैसे भी करके मतलब कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे, बोलना स्टार्ट कर दीजिए, दैट्स ग्रेट आइडिया सर, इसीलिए इसको अभी मैं सैटरडे को मैं उनको समझाने वाला हूँ कैसे कैसे करने वाले हैं, शायद मंडे से लॉन्च हो गया था, ग्रेट सर, और सर इसको सर इसको ना मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो बस बैच 4 मंथ्स में खत्म हो जा रहा है तो ऐसा मत करिए, मैं बताऊं क्या 3 साल जो लॉकडाउन के बैच स्टार्ट हुए थे उनके भी पूरे पूरे ग्रुप अकेले मेरे पास और सारे ग्रुप एक्टिव है, आपको नहीं होगा मतलब मैं अभी क्या बोल सकता हूँ, एक दो बैच ऐसे है जो की तब स्टार्ट हुए थे जब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब अभी मुझे क्लास भी स्टार्ट करना है,
नहीं तो चार मत में बोलना सर, चिंता भी नहीं हो। देखो एक मैच यहाँ पर है, इसका ध्यान से देखो 2020 का मैच है, 2020 एकदम प्रॉपर टीम है। तो मैं ऐसे ये वाला काम नहीं करता कि क्या उस मैच को क्लोज कर देना, नहीं। इवन ये जरूर कर सकता हूँ कि हाँ उस मैच की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उनको ज्वाइन करना है तो जो दूसरी करंट मैच चल रही है उसमें आगे ज्वाइन कर। और एक चीज बताऊँ क्या, मतलब ठीक है हम लोग एक डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनना ही नहीं चाहते, वो ना अटेंड ही नहीं करेंगे। तो क्या बोलते हैं, ये भी माइंड में मेरे रहता है कि जो 35 लोगों का मैच है तो केवल अगर उसमें से जो खाली देखो तुम लोग कितने हो, एक्चुअली में पता है तुम लोग 22 लोगों को ऐड कर रखा है, लेकिन 22 में से कितने इसमें मेरे पास है केवल 11 लोग हैं, क्योंकि मुझे पता था इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो डीएमपी कुछ ऐसे होंगे जो नहीं आ पाएंगे, यही 11 भी 10 ही लोग होंगे और 10 लोग ही केवल एक्टिव हो पाए, तो ये कंसिस्टेंसी सबके पास का नहीं है। सर आपने ना सर सर आपने ना वीडियो मोटिवेशन वाला बहुत अच्छा बनाया था सर, अभी आप उसको सर आपने मोटिवेशन वाला वीडियो बहुत अच्छा बनाया था, और सर अभी ना उसपे गुड हैबिट्स के बारे में भी, मतलब अगली बार जो है गुड हैबिट्स के बारे में बताइए, कैसे कैसे गुड हैबिट्स रहनी चाहिए, और एज एन इंजीनियर हमें हमारी क्या आदत होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक के, क्योंकि वही बेसिक चीज को मेंटेन करता है हमें, हम एक दिन में तो आदत पड़ती नहीं किसी चीज की सर। नहीं मैंने भी तो किया है कि अभी वीडियो के बारे में मैंने सर अब्दुल कलाम को मतलब पढ़ा था, मैंने सर अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा था मैंने इसके बारे में, उन्होंने बोला था कि हाँ जी जी, तो उन्होंने जी 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 सर मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। तो उसमें सर एक चीज मतलब थी ना कि आप अपनी किस्मत, आप अगर अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हो, जो होना है वो होगा, आप अपनी आदत बदल सकते हो तो उससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी सर नेक्स्ट टाइम सर प्लीज इसको बनाइए। सभी बताया मैंने कमेंट में डाल देता हूँ सर, कमेंट में डाल देता हूँ, ऑडियंस को क्या चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ बता रहा सामने वाले उसका उसके बारे में जानना ही नहीं, दस लोग उसके बारे में जानना है, तो ये चीज जरूर करना, अगर करोगे तो बढ़िया। मैंने अभी प्लान किया है कि हमने भी 3 वीडियोस वॉच करेंगे, 3 वीडियोस वॉच है बोलते, उसके लिए मेरे वीडियो एडिटर भी रख दिया है, तो अभी क्या होगा कि आपको मेरा पैसा लगेगा, तो क्या होगा पैसा लगेगा, मुझे लगे यार काम तो होना चाहिए, लगेगा मुझे लगे एडिटर मेरे रख दिया है, सर ये कह रहा था अगर जैसे अगर हम लोग कोर्सेज बाई कर लेते ना सर, तो हम लोग मतलब उस वीडियोस को मतलब देखते, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से देखते, फिर वो सर रूटीन खत्म हो जाता फिर वो, और वो जो ये जो डेली बाय डेली का अपडेट है और डेली बाय डेली की जो मतलब आपका मतलब मोटिवेशन है, और हम लोग भी जो एफर्ट्स करते हैं कभी फेल होते हैं कभी पास होते हैं, तो ये इससे बड़ा फर्क पड़ता है सर। तो हम लोग रोज ही अप्लाई करते हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ एक आध दो तो रोज ही अप्लाई करते हैं, उससे रिजल्ट भी मिलते हैं, मतलब कई जगह शॉर्टलिस्टेड होते हैं, जो सी कुछ बोलना चाह रहा है, जो सी कुछ बोलना चाह रहा है, और ये एक से डेढ़ घंटा सर पूरे, और ये एक से डेढ़ घंटा विकास आप बोल सकते हैं सर, कुछ नहीं है हाँ जो सी आप बोलो फिर विकास बोलो कुछ वही बोल रहा था कि हफ्ते में तीन ले आ रहा हूँ, दो 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 दो
मुझे लगता है लॉस करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ऐसा होता है ना, आप एक्साइटमेंट तो अच्छी चीज को भी सीखते हो ना, उस चीज में लॉस होता है। जब भी मतलब शुरू लॉस से काम स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं बहुत से काम ऐसे स्टार्ट किया जिसमें मेरे बॉस की इन्वेस्टमेंट है और लॉस हुआ है बॉस की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो ना लॉन्ग टर्म में डॉट्स जुड़ गई ना, तो आप मेरी भी लॉस होने वाला है। अभी तो ये कंसल्ट, ये जो कंसल्टेंसी का तुम बता रहे हो, अभी जो कंसल्टेंसी कौन कौन सी कंसल्टेंसी फ्रॉड है, मुझे गलती तक नहीं आ सकती जो मेरे चेहरे उसको माइंड पैसा हो गया। ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ये सर सही बात है, कैसे किसी को नहीं करना चाहिए, बट कैसे बताए इसको सही करने का तरीका बस यही है कि नंबर ऑफ पायर्स अलग अलग डेवलप होना चाहिए, थोड़ा बहुत हमारा ही काम इतने बड़े लेवल पे हो जाए, एक कम्युनिटी को संभालना, जैसे किसी भी इंजीनियर कम्युनिटी को संभालना, इस चीज में ना इस चीज में वो जो अलग पांडे सर है, अलग पांडे सर है जो अलग अलावत नहीं है, अलग पांडे पीछे सोलह सुने क्या, अलग पांडे पीछे सोलह सुने क्या, उनका पूरा जो ये आईआईटी और इंडस्ट्री की पूरा चेंज कर दिया, इंडस्ट्री बनने का कैसे चेंज किया, ठीक है वो चेंज किया, उन्होंने क्या किया, जो इतनी बड़ी बड़ी फीसेस में ले रहे थे उसको जैसे भी गलत हो रहे हैं 9.5 लाख रुपए फी ले रहे हैं, 9.5 लाख रुपए उसको उन्होंने 50-55 हजार रुपए में क्वालिटी के साथ सम्मान कर दिया। अभी क्या हो गया, एकदम से पूरा सिस्टम ऐसे हो गया, मतलब की एकदम सही तरीके से लोग, अब क्या हो रहा सारे कोचिंग वाले अपने हिसाब से लूट रहे हैं, क्या होता है हर चीज की कॉस्ट होती है, हर एक नई चीज की कॉस्ट, लेकिन क्या होता है वो कॉस्ट अफोर्डेबल होना बहुत ही मुश्किल है, वो चीज उनका करेक्ट मुझे लगता है इतना अफोर्डेबल होना चाहिए सामने लगता है उसको अफोर्ड कर सकते, हो जाएगा अभी देखो धीरे धीरे कैसे होता है कि क्या पता कल को सिर्फ ठीक हो गया, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी तो हम लोग स्टार्ट किया है, अभी तो
अपनी दुकान सजानी पड़ेगी ना, अगर तुमको बिजनेस बड़ा करना है तो कैसे करते हैं बिजनेस बड़ा, दुकान बड़ा करते हैं कैसे करते हैं। रिलायंस मार्ट क्यों सक्सेस है, किराने शॉपिंग बहुत है, रिलायंस मार्ट क्यों सक्सेस है, क्योंकि उसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया ना, तो अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ बोलना चाह रहा तुम स्नैप नहीं हो रहा था, स्नैप नहीं हो रहा इसमें दो चीज होता है बहुत अच्छी चीज ऐसा होता है ऐसा ये नहीं कि मेरे सामने हुआ हो मेरे साथ भी हुआ होगा बट ये जो मैं नहीं सकता ऐसा भी मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इसमें दो चीजें नहीं करना चाहूंगा टीचर माय चॉइस और एक होता है टीचर माय डिसीजन टीचर क्या हो सकता है जॉब नहीं मिल रही तो बन गया क्या हो सकता है जॉब नहीं मिल रही और एक होता है टीचर माय चॉइस जो माय चॉइस होते हैं ना माय चॉइस का एक अलग तरीका होता है कैसे तरीका होता है अभी पासवानी मुझे क्या बोल रहा था सर टीचर्स के बारे में थोड़ा बताइए सर टीचर्स क्या होता है अभी अच्छी मुझे आज जरूरी पड़ी है मैंने तो मारे आई हूँ मैंने क्या किया मैंने एक टेस्ट को बोला पासवानी मुझे दो दिन में पैसे सबको पता है मेरा बिजी शेड्यूल थोड़ा बेटा है और फिर क्या किया मैंने आपका
स्टडी किया, स्टडी करने के बाद कल आप सबको भी रिजल्ट बताएंगे पूरा का पूरा भय आपने सबको पांच स्लाइड दिया और पांचों स्लाइड में डिटेल में जो बताएंगे आपका पूरा एक्सरसाइज कर लो आपको यहाँ पर जो मनी होता है जो मनी होता है रूल दूसरी चीज अगर आप बाई चॉइस होना तो आपको ना इस चीज का कान चॉइस होना आप बिलीव करो अभी मैं तुम से बात कर रहा हूँ मैंने एक भी बार खड़ी की तरफ देखा है रीजन पता क्या है रीजन एक की मैं बाई चॉइस कर रहा हूँ और एनर्जी मिलता है और हमें बस ये मैटर करते हैं आपका सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है हो सकता है जो कोई पूछो मुझे ना आए तो बड़ी बात नहीं है तो सीखेंगे गूगल से सीखेंगे यूट्यूब से सीखेंगे आप बताओ सर सीखेंगे आप लेक्चर का प्रिपरेशन वही करता है वो फैसिनेट प्रिपरेशन नहीं करता है मैं तुमको सब बताता हूँ इसके गूगल सर है इसके गूगल सर साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की भी पढ़ी होगी वो मैं उनसे ट्रेनिंग ले रहा था स्टील का तो जब मैं उनके केबिन में जाऊँ तो पढ़ते हुए जाता हूँ हमेशा वो पढ़ते मिले आपका भी स्टडी करते हैं तो स्टडी करते हैं आप जो भी लेक्चर सभी लोग जानते होंगे बोले कि मैं कभी बिना स्टडी कभी नहीं लेता हूँ सब कुछ याद है और सब इतने टैलेंटेड है कि उनका जो स्टील का बिजनेस उसकी जो रॉयल्टी आती है उसमें केवल स्टील बिजनेस से वो एक साल में 1.2 crore कमाते हैं सर भी करते हैं 12 बुक्स एम डी कर सकती है हम कवर कर लो आप कितना ज्यादा उनको कर लिया बहुत एंड ही इज सो डाउन टू अर्थ स्लीपर बन के आते थे इलेक्ट्रिक मशीनरी के लिए स्लीपर बन जाते थे ये वही जो खाली वाला स्लीपर होता है बैंक में लगा स्लीपर बन के बता रहा था कि अच्छी चीज है बन एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इतना ज्यादा टैलेंट कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा स्टील में जो स्टील कुछ भी नहीं आता था कॉलेज से चलिए उनसे ट्रेनिंग चैलेंज भी कर दिया है ना कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मैच कर लो हमारे भी बाहर से कुछ नहीं आएगा सब चैलेंज के बाहर से कुछ नहीं आएगा इसका सबसे अच्छा आंसर होता है कि हमें जो भी पहले तो हमें लर्निंग दिया गया हमें जो व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स दिए गए ठीक है हमें सब कुछ ऑफर ट्रेनिंग दिया जाता है पहले इंटर्नशिप का टाइम कोई ये दिया जाता है पहले आपको इंटर्न को मतलब प्रोफेसर आपको सही बैठाया जाए उसके बाद अब हमने पहले आपको बैठाया और थोड़ी थोड़ी जब आपको नॉलेज अप टू हो गया
उसके बाद आपने प्रोजेक्ट में ये भी कर लिया किसी और आपने प्रोजेक्ट से भी हमने कर लिया किसी और आने दिया मतलब आपको ये बता रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट तो किया और सबसे पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट से किया चाहे वो सॉफ्टवेयर चाहे रेमी हो चाहे ऑटो गाइड हो चाहे सॉफ्टवेयर चाहे रेमी हो तो हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा इंटरनेट का पहला काम यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला काम दूसरा हमने उसके बाद सर ने कुछ प्रोजेक्ट किए हमने उसके बाद उन प्रोजेक्ट पे हमने वर्क किया प्रोजेक्ट को उनको शो किया जो भी एरर्स थे उनको सॉल्व किए बचाए एरर्स भी करो फिर हमने उसको सही किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चार महीने के थीसिस में ये चीजें करते हैं और इन इन सॉफ्टवेयर का बेसिक पॉलिसी हम लोग सॉफ्टवेयर का बेसिक पॉलिसी हमारा इंटर्नशिप है इंटर्नशिप बोलते हो सिर्फ मतलब होते जहाज और इंटर्न मतलब कुछ कहते हैं एंट्री कर रहे हो फिर सक्सेस छोटा सा प्रोजेक्ट है वो भेज रहे मतलब कुछ अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आ रहा है मतलब ये नहीं है लेकिन उसमें जो मटेरियल लिस्ट है ना वो रिभर लिस्ट वो नहीं हो रहा है अभी रिभर लिस्ट इसलिए सेंड किया पहली बार साइट पर जब जॉब करता था तभी थोड़ा पड़ा उन सीनियर के साथ याद होगा कैसे कैसे उसने माउस कहाँ से आता रहा होगा ना ये तरीका होता है धीरे धीरे क्या होता है आप फील होने लगता है धीरे धीरे आई थिंक अब तुम्हें इजी लगेगा चीजें जितने सॉफ्टवेयर सीखोगे सब इजी लगेगा जितने सॉफ्टवेयर सीखोगे हाँ मैं बोलूँ हेलो सर सर मैं पूछना चाहता था वो जो टिकला में जो ब्रीड हम बनाते हैं तो बाई द वे अगर डिटेलर का जॉब मिले तो सर अगर मतलब वहाँ पे अगर इंटरव्यू में पूछ दे कि आपको ग्रेड बनाओ तो मैं भी ऐसा ही रहता है ना जैसे हम बनाते हैं और आपको 45 मिनट 50 मिनट दिया जाएगा अच्छा स्क्रीन में काम करना सर मतलब देखता हूँ बनाया मैंने तो मतलब फर्स्ट बार किया फिर भी मतलब उतना टाइम नहीं लगा हो जा रहा है सर टाइम कैसा होता है कॉम्प्लेक्स ग्रेड देंगे ना अगर ऐसी कंपनी में आप गए हो इंटरव्यू देने तो आप समझ जाना कि आप ऐसी कंपनी में डबल इंटरव्यू देने के डबल स्क्रीन हमेशा देते हैं क्यों ये नो कि अगर एक ही स्क्रीन में काम करोगे तो सही से काम ही नहीं कर पाओगे तो हमेशा जो अच्छी कंपनियां होती है वैसे ही आपको कुछ बोलना है सर वो कोलम में जो रेनफोर्समेंट लगाया था आपने लेक्चर में बताया था तो वो 3 मीटर पे बताया था लेकिन जो हमारा फुल बार का लेंथ होता है 12 मीटर सर उसको 7 मीटर और 5 मीटर पे कट करके वहाँ पे लगाएंगे ना सर हम रेनफोर्समेंट वहाँ पे लैपिंग करेंगे 7 मीटर पे और अलग अलग डिस्टेंस जब लैपिंग अगर नहीं कर रहे हो क्या कर सकते जो स्टेशन आएगा पूरा कमांड से ओवरऑल स्टील आएगा निकालते हैं ना उसी कवर हो जाता है कभी एक्स्ट्रा डेफिनेटली लैपिंग में क्या कर रहे हो एक्स्ट्रा स्टील दे दो 5% यूज कर रहे हो सर जो हमारा एनफोर्समेंट रहता है एक बार हमारा कितने फ्लोर तक जाता है हाँ नहीं सर जैसे हमने फुटिंग से कॉलम का रेनफोर्समेंट मेन रेनफोर्समेंट तो वो कितने फ्लोर तक सर कितने मीटर तक ऊपर करना चाहिए
मतलब कि एक जो बार है वो क्या बोलते हैं कितने फ्लोर तक जाना चाहिए हाइट उसके, हाँ सर फिर उसके बाद उसको मतलब लिफ्टिंग करेंगे ना अगले फ्लोर के लिए। क्या बोलना चाह रहा है इसमें तो कोई वो नहीं होता है कि जैसे कि तुम क्या बोलते हैं जितना हाइट तुम्हारा जा रहा पार तो क्या बोलते हैं जा सकते हो, मिनिमम तुम्हारा फ्लोटिंग साइज मीटर तक आना चाहिए। कभी भी एल बाई फोर जो होता है इसका डिस्टेंस भी ना एल बाई फोर है, कभी भी एल बाई फोर के ऊपर लैंडिंग होनी चाहिए, कहीं भी दो एल बाई फोर के ऊपर और ऊपर से एल बाई के नीचे ये कुछ है ना। तो कभी भी जो कॉलम है अगर कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका एल बाई फोर कैलकुलेट कर लो, इसके नीचे नहीं दे सकते लैंडिंग और इसके ऊपर से एल बाई फोर इसके बीच तुम्हारी जो भी डिस्टेंस है कहीं पर तुम लैंडिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी भी लैंडिंग ऐसे नहीं देना चाहिए कि मान लो इधर लगे जैसे दिया सर कल आपने वो सर एक क्वेश्चन बोलो सर आवाज आ रही है बिल्कुल नहीं आ रही लगता है सर। वो कल आपने मटेरियल के बारे में बताया था कुछ आपने बताया था सर वो कल आपने जी सर। तो उसमें हमें जैसे अगर किसी पे वेल्डिंग मटेरियल लगाना है तो सर हमें सबसे पहले सर ऐसा सोचना पड़ेगा, उससे हमको सोचना पड़ेगा सर उस मटेरियल को लगाने से पहले हम क्या चाहते हैं इस बिल्डिंग मतलब बनाने के बिल्डिंग इस तरीके से, तब हम उसको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा सर मटीरियल अप्लाई करेंगे सर सही रहेगा। वरना तो सर हम हमारे पास बहुत सारे मटेरियल हो जाएंगे तो उसको हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से माइंड में रखना पड़ेगा कि जब लोग उसका ना कुछ तो इन्वायरमेंट के बेस पे भी लोग डिसाइड करते हैं, जैसे कि जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है वहाँ पर स्टिंगी अगर हम मटेरियल यूज करेंगे इजी होगी, पर से आई वहां पे कभी इजी जहाँ पर ट्रैक्स ज्यादा होते हैं जहाँ पर सदन इन्वायरमेंट में बहुत ही धुना है सदन इंडिया में क्या होता है ट्रैक्स जल्दी डेवलप होते हैं, इसलिए क्या होता है पर रेनी सीजन बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हल्का सा उस पर व्हाइट से इन कलाम के साथ में गया था, व्हाइट से कलाम मेरे भाई का बैठ गया था, मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ था क्वेश्चन मेरे भाई ने क्या बैठा पता है तीन लोग बैठे थे ड्राइंग कर रहे थे कोई पीछे को था कवर जो होता है उस कवर पे बैठ कवर होता है ये लोग का है भी आराम से बैठ गया था। इसमें यही क्वेश्चन पूछा था मुझसे की क्या बोलते सर ये पूरी में जो बिल्डिंग है यहाँ पर ये क्या बोलते हैं डॉट डॉट की इसमें वो क्यों रहता है ये पूछा था ना कवर। हाँ सर रफनेस रहता है ना मतलब आउटर सरफेस में ज्यादा रफनेस उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर रेनी सीजन ज्यादा होते हैं तो उसमें क्या होता है क्रैक्स जल्दी होते हैं, क्रैक्स जल्दी होते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती है इसलिए वहाँ पर क्या होता है रफनेस वाला प्लास्टर यूज करते हैं कभी भी उसमें रफनेस ज्यादा कभी मिलता है जनरली सब मतलब मैं जितना देखा हूँ देखता हूँ सब में सही है सर जी सर एकदम स्मूथ है बट बाय मतलब एक्सटीरियर सब का वैसे ही सर ये अच्छा मतलब अच्छा हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं बिल्कुल यूज कर सकते हैं पूरा बिल्कुल यूज कर सकते हैं
मुझे लगा लकी पर है, उसमें लकी तो यार भाई कोई नहीं है, लकी पर तो अब उसमें ये दिखना पड़ेगा कहीं वो जो बादल भी जा रहा है उसमें कहीं बीच में एलोई कोर्ट के अंदर कहीं आ रहा है जा रहा है उसको आ और फिर क्या होगा ना लैपिंग एक ही जगह पर हो जाएगा ना लेकिन कर सकते हैं जैसे इन्होंने कर सकते हैं लेकिन वही होगा कि जो मैक्सिम होगी वो एक जगह पे आ जाएगी प्लस 12 मीटर कैसे होगा फुटिंग के नीचे भी तो जाएगा ना तो तुम्हारा मीटर तो जाने से रहा तो लेकिन आप जा सकते हो बस ये देखिए उसका रीजन लगता है कि जंक्शन पर नहीं होना चाहिए जंक्शन पर नहीं होना चाहिए ब्रिजेस में करते हैं ना ब्रिजेस में करते हैं थोड़ा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिएगा और क्वेश्चन बता दीजिएगा केबिन कपलर लगा दें नहीं इसमें ऐसा होता है ना कि कपलर यूज करते हैं ना ऐसा होता है कपलर को एक साथ यूज कर सकते कपलर को एक साथ यूज कर सकते हैं सारा कौन सा आईफोन लिया प्रोफेसर कहाँ से आईफोन लिया पर आपको एक साथ मिल जाएगी कपलर में कर सकते हो बेल्डिंग में कर सकते हो बेल्डिंग में कर सकते हो अभी कपलर्स काफी लोग यूज कर रहे हैं तीन मेटर होता है एक होता है बेल्डिंग जिसका अब देखो बेल्डिंग में इन्होंने अल्टरनेट यूज किया है और कपलर में इन्होंने एक साथ यूज किया होगा कपलर में इन्होंने एक साथ ही किया हुआ है और ये तो लैपिंग आपका जो स्टाइलर लैपिंग आते हैं ये कपलर होता है कपलर यूज कर सकते हैं 36 से बात तब यूज कर रहे हैं अभी लोग छोटे साइज के भी मतलब 12 mm के भी 16 mm के बाद भी कपलर यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे पूरा कपड़ा ये जो स्टील है सब बचता रहता है स्टील ही बचता है इसकी वजह से कपलर अमेरिका में स्टील बहुत महंगा है जो भी आपको सुनते ना फ्रीज नहीं उसकी भी कभी लेक्चर देख लो उसका सीडी का लेक्चर देख लो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस से आया रीजन क्या होता है मतलब कन्वेंशनल स्टील यूज होता है बहुत महंगा पड़ता है बहुत कॉस्टली पड़ता है उसमें स्टील ज्यादा लगता है तो वहां से ही स्टील का कॉन्सेप्ट आया कि स्टील को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं लोगों ने देखा कि जहां मोमेंट ज्यादा है वहां ज्यादा स्टील जगह मोमेंट जहां मोमेंट कम है वहां कम स्टील देते हैं इसी कॉन्सेप्ट का नाम जो है तो ये सारे जो कपड़ा वगैरह हैं ये सब लोग ढेर सारे वहाँ कॉस्टली पड़ता है स्टील हमारे यहाँ तो 60% रुपए पैसा हमारे यहाँ इसमें से 66 रुपए में चल रहा है इसमें से 66% आपके यहाँ से अच्छा मेरे यहाँ से ओके 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 चलिए अरे यार मेरा ना छोटा भाई है 12 साल का छोटा भाई है बड़ा कलाकार आदमी है उसने पता नहीं कहाँ से क्या बोलते सेटिंग में जाके उसने आईफोन की सेटिंग कर दिया है और मुझे उसको चेंज करना नहीं आता है
चेंज करना है, क्या बोलते हैं क्लोथ चेंज करना, मैं कभी सर्च में नहीं किया हुआ है सबसे बड़ा मैं ही और सबसे छोटा है, दो भाई जो है वो अंकल के हैं और क्या बोलते हैं तीन हम लोग हैं, पांच भाई हो गए तो उसमें लोग टिकला जरूर एड कर दे रहा है जॉब लिखा है क्या टीम पर नहीं ऐसे सीधा मुझे भेज दिया था लिंक मैं देख के बताता हूँ ठीक है मैंने देखा नहीं अभी मतलब क्या 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 बोलते हैं तो मैं देख के बताता हूँ सर उसके लिए कुछ पोर्टफोलियो अलग से भेजना पड़ेगा पोर्टफोलियो वहाँ शॉर्टलिस्टिंग तो हो जाएगी फिर उनको निकला आता है शॉर्टलिस्ट जो वहाँ पे लड़का काम निकल रहा है उतना स्प्रेड उसी ने डायरेक्ट ओपन किया था क्या करना टेकला में लेक्चर ने क्या क्या सिक्स आपने वॉच कर लिया होगा मैंने एक बहुत सिंपल मैंने स्टेयर केस के बारे में पढ़ा है स्टेयर केस का निशान लगाते हैं कैसे पढ़ा है बहुत सिंपल निशान लगाते हैं और कल क्या बोलते हैं इस फ्राइडे को हम काम कर रहे हैं आपका टेकला का रेबिट का और ऑटो टेकला का मिक्स टेस्ट भी लिखा होगा एक आध दिन में छुट्टी भी सही चली जाएगा पेपर बनाने के लिए बनाया नहीं पेपर बनाऊंगा बहुत सोच के बनाओ पेपर बनाऊंगा स्पेक्ट्रम भी बनाऊंगा और उसको आपको सॉल्व करना है फ्राइडे फ्राइडे को नहीं दे पाए तो सैटरडे को जो सर है अभी तो नहीं लिया ले लूंगा सर सर ये पूछा था जो लैपिंग देते हैं सर तो मैंने कई जगह देखा है कि जो लैपिंग देते हैं सर तो ऊपर का जो बार होता है वो डायमीटर में छोटा होता है नीचे वाले बार से तो सर ऐसा अगर होता है तो सर जो मतलब मान लीजिए हाई राइज बिल्डिंग है तो सर ऊपर जाके वो फिर लीक नहीं हो जाएगी मान लीजिए पर्टिकुलर कॉलम या फिर हाँ लोग अब इसको ऐसे क्यों नहीं बनाएंगे ऊपर मोटा कर देते नीचे पतला कर देते क्या होता है क्योंकि क्या बोलते हैं स्टे कर सके प्रॉपर इसके लिए नीचे ज्यादा डायमेंशन करके ऊपर कम सर फिर भी जो हाई रेज बिल्डिंग होती है लाइक 22-25 फ्लोर तक जाती है तो सर एक आपने जो बोला ना L/4 के बीच में स्पैन वो देते हैं लैपिंग देते हैं तो सर उसके बाद से तो डाया फिर छोटा हो जाएगा तो सर उसके हिसाब से मेंटेन करके चलते होंगे ना वो लोग की हाँ इतने के बाद हाँ सर हाँ सर मैं सोचा था सर मैं वो एक्चुअली में जितना आप एरेज के बारे में जानते हो वहाँ से वो स्टार्ट होता है एरेज में क्या होता है ब्रेसिंग यूज होती है एरेज में क्या होता है कपलर बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उसमें इतनी चीजें कि आप सोचो कि मतलब मैं क्यों बहुत डीप में जाता हूँ बहुत डीप जिसमें आपको नॉन लीनियर एनालिसिस करनी पड़ती है सेकेंड स्टेप एनालिसिस करनी पड़ती है केवल केवल बाहर उसका पैरामीटर नहीं होता उसमें लाइक छह टाइप की ब्रेसिंग है X ब्रेसिंग है, आर्सिस ब्रेसिंग है, V टाइप ब्रेसिंग है, ये सब यूज करते हैं
तो हर रेंज के लिए अगर जानवर जीप का स्ट्रक्चर जीप का सिफ्टी अपान कर रहे हो केवल तुम्हारे बाहर से कुछ नहीं होने वाला इसलिए केवल बाद में बस सोचिए बाद में जो गेम है जीप का स्ट्रक्चर नहीं होता इसके ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजी चिप मिला है सर एक बार एक चीज और थी सर कि जब मैं टेक्ला में सर मैं कॉलम में जो सिरप होती है सर रिंग होती है सर कॉलम में तो सर मैं क्या कर रहा था कि उसको चेंज कर रहा था वो चेंज नहीं हो रही थी जैसे कई सारी रिंग होती है ना सर आपने जैसे मैं लेक्चर फाइल देख रहा था तो उसमें बहुत इजीली हो गया मैंने कई बार सिलेक्ट किया सर वही मेरे नहीं बार नहीं सर वो मैं उस खिटाई की बात कर रहा हूँ सर जो रिंग होती है तो सर वो चेंज ही नहीं होती थी अच्छा सर उस पर क्लिक करना पड़ता है मैं बार पे क्लिक कर रहा था ओके सर जो तुम बड़े बड़े एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखते हो ना तो सब ऐसे ऐसे इसमें कॉल देखते हो मतलब कुल मिला के एडवांस ट्रेनिंग रहती है सेंस रिस्पॉन्स आर इन इन फ्यूचर अभी नहीं आराम से करो किसी शब्द में जब मतलब आप ठीक है सर किसी लोगों की आकलन बोलो कलाम बोलो सर मुझे भी ETF स्टैट प्रो सीखना था बट मैं अभी नहीं सर जब जॉब में चला जाऊंगा ना सर तो मुझे करना है मतलब मैंने सोचा है कि अभी तो अभी ठीक है बट मैं जब चला जाऊंगा जॉब में तो मुझे स्टैट प्रो ETF वगैरह सब मतलब किसी देना है कभी बोला ना बाद में करना किसी को नहीं बोला हाँ नहीं मैं बाद में करूंगा हाँ सर बट करना है उसमें मैंने ये प्लान किया हुआ है कि जो गेम के बच्चे होंगे दे वांट टू डू दैट उनको एक मिनिमम 5% का डिस्काउंट करेंगे सेट ट्रस्ट जैसे वो जिसको दोनों चीज सेम रिजल्ट ही मिलती है बट जो लोग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करेंगे और जो जो स्ट्रक्चर वाले भी इन्वॉल्व करेंगे डेफिनेटली ओल्ड स्टूडेंट को मेरे हिसाब से 5% ऑफ कर सकते हैं बहुत ज्यादा उसमें और क्या बोलते हैं आप सबको पता है मेरा स्ट्रक्चर फेवरेट सब्जेक्ट ही है और डेडी के साथ जाता हूँ उसके अंदर और क्या बोलते हैं आपको करना चाहिए फ्यूचर के लिए लेकिन अभी का टाइम थोड़ा मैच नहीं करेगा आप सबको आगे जब इस्तेमाल करेंगे सब कुछ डेफिनेटली आपने कर मैं सब बताता हूँ मतलब पूरे मैंने क्लास डिजाइन कर रखी है 100 क्लास 100 क्लास रखी है
मैंने पूरा डिजाइन कर रखा है कि पहले क्लास में जो तुम्हारा मेन का डिजाइन हुआ है सेम टू सेम सिलेबस में डिजाइन कर रखा है, सेम टू सेम सिलेबस। तो मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए और करना इसलिए चाहिए क्योंकि मैं खुद का ऑब्जेक्टिव सुनना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। प्लस स्ट्रक्चर जानने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है क्योंकि जब स्ट्रक्चर का नॉलेज होता है बीम करके जॉब मिल जाता है, बीम में जॉब जल्दी मिल जाता है, स्ट्रक्चर में जॉब थोड़ा लेट होता है, स्ट्रक्चर में ज्यादा कॉलेज चाहिए। तो बीम बेस तो है ही, जॉब के ओरिएंटेशन से देखा जाए लेकिन नॉलेज के ओरिएंटेशन से देखा जाए तो स्ट्रक्चर बेस नॉलेज के ओरिएंटेशन से देखा जाए आप फील करते हो स्ट्रक्चर के बारे में, आप क्या फील करते हो स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर दर्द देखते हो स्ट्रक्चर का, दर्द दर्द क्या है, डेफिनेटली स्ट्रक्चर में हानि कम हो रहा है तो क्या हो रहा है आपके बॉडी में कहीं पर कट कर दिया गया, हनी कॉम है हनी कॉम आ गया। क्रीपिंग क्यों होती है, क्रीपिंग क्या है, क्रीपिंग इन द सेंस कि आप जब कोई सिंपल जा जाओ आप 50 केजी का वेट उठा जाओ आज से 10 साल बाद भी 50 केजी का वेट उठाओगे धीरे धीरे आप धीरे टेढ़े हो जाओगे, होता ना इंसान धीरे धीरे टेढ़े छुपे होते तो टेढ़े हो जाते हैं ना, क्या है परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर क्रॉस द हनी कॉम से, ये सब हम प्रैक्टिकली हम देख पाते हैं। बिल्कुल आपको मैं जल्दी बहुत जल्दी प्लान करूंगा ऐसा जल्दी, और मैं मतलब कि अभी बता दूंगा मैं क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक सिलेबस हमें डिजाइन करना हो चुकी शायद इस संडे को हो चुका है, वो अगर मेरा काम किया है नहीं जाना तो एक तो ब्रीफ सिलेबस बनाने की तैयारी कर रहा हूँ पहले, जिसे हम पढ़ने स्लो मतलब हिसाब से पढ़ने अच्छा लगता है मुझे, ये नहीं अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने इनको बता दिया कि ये पढ़ाऊंगा अभी इसमें कहीं नहीं ना, मुझे बोर लगता है अपने पेपर पे इसमें क्यों लिखूंगा, टाइपिंग करना मुझे वजीब लगता है। मैंने प्लान किया है जिसको मैं बोलता रहूंगा वो लिखता रहेगा, जिसको मैं बोलता रहूंगा वो ब्रीफ कर दूंगा। और कोई अगर आप सर एक क्वेश्चन था, अगर कोई चाहेगा कि सर आप ब्रीफ करो मैं लिख के डिपार्ट ऑफिस आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लो, आपको भी नॉलेज मिलेगा हमारा भी कॉन्टेक्ट रहेगा तो आपको भी नॉलेज आप बोलूंगा। सर ये जो जैसे हम सर अपनी स्किल्स दिखाते हैं सर, तो मान लीजिए मैं हमने बिम्पैक या स्ट्रक्चर किया सर, तो क्या ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं फिर वो देखेंगे कि हाँ इस बंदे को ये सारी चीजें आती हैं, तो सर कोई एक पर्टिकुलर चीज पे ही तो सिलेक्शन मिलती है ना सर, या तो बिम पे मिलेगी या तो स्ट्रक्चर पे मिलेगी। और वो अभी स्ट्रक्चर सीख रहा है और उसकी सैलरी भी शुरू 70,000 की सैलरी करेंट पे है, बट ये सैलरी क्यों, क्योंकि उसको पता है कि सर्टेन टाइम के बाद जब आप थोड़े हायर लेवल पे जाते हैं तो आपको हर चीज का डिपार्टमेंट पता है। हाँ सर मैंने भी जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर जो लोग होते हैं ना तो मोस्टली उन लोगों को काफी चीजें आती हैं, हर एक फेज से गुजरते हैं सर, और वो उनको ये स्ट्रक्चर का बिम का सारी चीज की नॉलेज होती है सर। सर ये चीज मैंने देखी है सर गोरखपुर में, जैसे कोई भी इलाके जैसे छोटे मोटे शहर है सर, वो लोग क्या करते हैं सर कि वो लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर मतलब जानते ही नहीं है कुछ, वो लोग गया नक्शा पास करवाए घर बनाना शुरू हो गया। अभी मेरा प्लान है एनसीस और अवेकस सीखने का, तो हमें एनसीस और अवेकस को जब एकदम मेरी अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो मेरा फ्रेंड है एनसीस को भी टीच करूंगा, और उसके बाद मेरा प्लान है नेक्स्ट मिडास पे जाने का। मिडास क्यों, क्योंकि अफकोर्स मेरे पास 13-14 सॉफ्टवेयर बहुत है लेकिन टाइम टू टाइम अपग्रेड करना जरूरी है। सुना है सर मिडास के बारे में, सुना है पर मेरे दिमाग में हाँ सर हाँ सर आरसीडीसी भी तो ब्रिज के बारे में होता है ना अभी मेरा प्लान है एनसीस, एनसीस क्या करता है एटीएम मेडिसिन को डिटेल में एनालिसिस करता है और ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने वाली, इसलिए मैं अपना स्टेबल सीखने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं अवेकस सीखूंगा और अवेकस सीखने के बाद फिर टाइम मिलने को मिडास सीखूंगा, ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि आज सीख गया तो कुछ नया एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है
तो मेरा प्लान है उसको भी सीखूंगा, तो ये तो लगा रहेगा सर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है सर, लेकिन सीखना क्या है जो जो सर रिक्वायरमेंट होगी उसकी, मतलब वही सीखना चाहिए, मतलब फील्ड की बात कर रहा हूँ सर। क्या होता है ये सर, यस सर, यस सर, अगर अपडेट नहीं करोगे सर। हाँ मेरे कॉलेज के सर, मेरे स्कूल के सीनियर हैं अभी सर, वो एनवायरमेंटल से, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी सर, उन्होंने बीच पिलानी से एमटेक किया सर एनवायरमेंटल से। उन्होंने बोला देखो कुछ जो भी तुम्हें सीखना है सारी चीजें खाली मत बैठना, कोरोना का टाइम चला कुछ भी चला, बस सीखते रहो, ये सीख के तुम फील्ड में जाओगे ना इंडस्ट्री में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी सर। तो वहां से मैं फिर ढूंढना शुरू किया सारी चीजें कैसे कैसे क्या करना होता है। लोग कहते थे जॉब नहीं मिलती है, ऐसे वैसे बैठे रह जाते, लोग हंसते थे सर, लिटरली लोग हंसते थे, अभी सिविल इंजीनियरिंग लिया था ना, अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो यार। हाँ ये बात है सर, वही तो उस दिन जो कहानी उस दिन मेरे से लोगों सुनाया था कि मैंने अपने दोस्त की जो कहानी बताई थी जिससे उनकी बीवी को बताया था बताया था, वो बोला कि यार मेरी सैलरी जो 15,000 रुपए है, बोला कि यार मेरी कंपनी पैसा ही देती है, मेरी सैलरी 15,000 रुपए है। तो मैंने उसको बोला था तेरा मैनेजर कितना कमाता है, बोला 50,000 से 1,500 डायरेक्टर कितना कमाता है, 1,500,000 सैलरी। मैंने कहा ये क्यों बोला कि तेरी कंपनी में पैसा नहीं देते, वहां पर डायरेक्टर क्यों नहीं है,
क्यों भी क्या अभी इस चीज को एक्सपेक्ट करेंगे राइट लगभग सभी लोग इस पे एग्री करोगे कि जैसे ही आपके पास 1.5 लाख रुपए होने चाहिए हो जाए तुरंत आप अपने जेब को खोल लीजिए। अब ये समझ लीजिए कि देखिए किसी भी कंपनी में आना चाहते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिए। मैंने ये किया है एक्चुअली मैं एकदम यही मेरी इंटेंशन है कि मैंने अपने 6 महीने को सिक्योर किया है। मेरा तब बहुत कम खर्च था,
केवल भी वो 10,000 रुपए का था जिसमें 5,000 रुपए फीस का देता था और 2,000 रुपए खाने का देता था, उसके बाद 3,000 रुपए इधर उधर घूमने का, 10,000 रुपए का खर्चा, बिल्कुल 60,000 रुपए सेविंग का खर्चा। और उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, क्या परसेंटेज आगे बताया है अब अगर कंपनी आज भी निकाल देगी मैं घर पे ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि मैं 6 महीने के लिए सिक्योर हो चुका हूँ, 6 महीने से सिक्योरिटी मेरे पास हो चुकी है। लीव करो, जिस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ उसी दिन मेरे साथ कॉन्फिडेंस आया, किसी के पास कॉलेज का कॉन्फिडेंस आया, अलग अलग कंपनियों में गया, अच्छे अच्छे ऑफर्स मुझे डेवलप करने लगे, जो अच्छे ऑफर्स मुझे डेवलप करने लगे। फिर मैं समझ गया अगर आपके पास 6 महीने की सिक्योरिटी हो जाए तो आप सबके लिए बोल रहा हूँ, आप सब कर पाओगे। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा स्टेप आगे गया, नेक्स्ट स्टेप हो जाए आपके पास 3 इयर्स की सिक्योरिटी, ये थोड़ा सा है। कब डेवलप करते हैं कि आज कार ले लूँ, आज मैं ये मोबाइल ले लूँ, आज मैं ये कर लूँ, आज मैं ये कर लूँ, ये सब मत करो, मिनिमम काम चलो और 3 इयर्स। 3 इयर्स आप ये देखो कि अगर आपका एक एक महीने की खर्च इतना है, आप जॉब आ चुके हो, आप कॉन्फिडेंस आ चुका है 6 महीने का, कल को जॉब निकल गए तो आप इतने भी बुरे नहीं हो कि 6 महीने में जॉब ना मिले, 180 दिन होते हैं, एक दिन दो इंटरव्यू किया तो सारा इतना हो गया, 400 के आस पास इंटरव्यू दे देगा, 400 इंटरव्यू में 4 भी ऑफर ना आएंगे, 400 इतना भी काम जा रही है सीधी सीधी बात। अब जब ये तुम्हारा काम क्लियर हो जाएगा कि अब जॉब ले लूंगा, कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा, बस इतना गलती मत करना कि एक्सपेंड करना, लोगों को दिखाने के लिए बाइक ले लो, मैंने भी लिया बाइक, बट मेरा बाइक लेने का टाइम था, 10 बाइक साथ अफोर्ड कर सकता हूँ, तब मेरे 2 बाइक साथ है। तो मैंने क्या सीखा कि कम से कम 3 साल तक तो आपको सिक्योर करना पड़ेगा किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले, 3 साल के लिए आप अगर 1.5 साल रुपए 1.5 साल आपका 1.5 लाख रुपए हो रहा है, अगर आपका 6 महीने का आपका साल भर का कितना हो जाए, साल भर में आपका हो रहा है 3 लाख रुपए, मतलब 3 साल के लिए आपको लगना चाहिए 9 लाख रुपए, आप ऐसे सोचो 9 लाख रुपए पैसे भी करके पाने चाहूंगा, हायर से हायर पैकेज होगा, और जैसे 9 लाख रुपए हो जाते हैं आपको कर लो, आप गेम खेलो बड़े बड़े, कैसे गेम खेलो बड़े बड़े, अब आपको जो मन करे आप बिजनेस का थोड़ा सा चेक करना है, बिजनेस कर सकता हूँ क्या, क्या होगा जॉब जाएगी ना, क्यों साल का रोक आएगी, क्या होगा फ्लैट, चलो इसके बारे में फ्लैट फ्लैट डिग्री चेक करना है, आज तक मैंने फ्लैट नहीं लिया है, सोच में आज तक फ्लैट नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 50 लाख रुपए का फ्लैट, 1.5 करोड़ से पूरा मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 1.25 करोड़ रुपए बनने पर 50 लाख के फ्लैट, ऐसी कोई भी ब्यूरोक्रेसी मत करो, इन सब कोई तरीके से सिक्योर करो। उसके बाद अब आता है टाइम के बाद कुछ अपनी हॉबीज को प्रायोरिटी दी जाए, सो हॉबीज ऐसे रखनी चाहिए अगर मैं ये मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, मोबाइल का प्राइस टाइम भी 20,000 के आसपास है, ठीक है, तो अगर मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ तो मैं क्या 3 टाइम्स 3 मोबाइल एक साथ खरीद सकता हूँ, 3 मोबाइल एक साथ खरीद सकता हूँ, मतलब आई एम द राइट पर्सन फॉर परचेस दिस राइट पर्सन। अगर मैं लैपटॉप 1.5 लाख रुपए का खरीदने जा रहा हूँ, तो क्या मेरे बजट ये किसके लिए बोला, जो चीजें क्या होती है शौक के लिए खरीदारी की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आप उड़ा डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई भी ऐसी चीज जो आप शौक के लिए कर रहे हो उसके आप कर सकते हैं, अगर ये हो सकता है तो तुरंत कर देंगे। आपको लगता है कि मैं बाइक खरीदने जा रहा हूँ, बाइक खरीदने जा रहा है, तो अगर बाइक बोला हूँ बैठ में क्योंकि आपके पास 3 बाइक एक साथ आप खरीद सकते हो, क्या अगर ये पावर है तुरंत खरीद लो, कहीं भी फाइनेंशियल क्राइसिस में कभी जाओगे ही नहीं, लिख देता हूँ आज मैं अपनी साथी से क्यों कर रखा है, आपके सामने बैठा हूँ बिना किसी टेंशन के बैठा हूँ, ये नहीं ना कि मैं जॉब कर लिया हूँ काम करूँ कभी कुछ खोला, मैं अपने फॉलो नहीं करता हूँ, इंजॉय तो मैं आपके मत मांगी मैंने अपने सिक्योर किया है, इवन अभी तो थोड़ा ज्यादा भी हो गया होगा, लेकिन 3 साल में जब सिक्योर कर लिया तो कॉन्फिडेंस आता है ना, आज मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी जॉब हो मेरा बिजनेस का भी मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बिजनेस करना भी ऐसा नहीं है, हम कर लेंगे 5 साल हमारे पास आए, कभी भी हम 5 साल हमारे पास आए, 5 साल का टाइम है इन्वेस्टमेंट करना आता है, 25 साल का टाइम है, शेयर मार्केट से कमा लेता हूँ थोड़ा बहुत, म्यूचुअल फंड से कमा लेता हूँ, और चाहे मैं अभी इंग्लिस मार्केट भी जाता हूँ थोड़ा सीरियस मार्केट में इन्वेस्ट कर लेता है, आपको कुछ पैसे दे देगा कुछ सीरियस बताया देगा, तेरा डिपेंड करेगा, मतलब ये सब इन्वेस्टमेंट की गलती का करना है, ये करना है जब आपका एहसास सिक्योर हो जाए, उसके पहले मैंने शेयर मार्केट में पैसे नहीं डाला था, याद है मैंने शेयर मार्केट इसके पहले मैंने शेयर मार्केट में पैसे नहीं डाला, कहीं पैसे नहीं डाला, शेयर मार्केट एहसास सिक्योर होने के बाद मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डाला, कुछ लॉस हुआ कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, अभी मैंने एक प्लॉट परचेस किया, अब उस प्लॉट को मैं लगभग 5 टाइम्स बाद सेल करता हूँ,
एक मोरल ऑफ द डे की कम से कम 6 महीनों तक सिक्योर करो, ऐसे करोगे तुझे सोचना है, उसके बाद इंसान को सिक्योर करो, ऐसे करोगे तुझे सोच सके, उसके बाद तुम्हारी लाइफ भी सोच सकते मस्त। सरकारी नौकरी से ज्यादा इज्जत फ्री में लाइफ रहनी है, ज्यादा इसके बाद इज्जत कौन सी लाइफ रहनी है, ये मेरा मन है। अब तुम अपना कैसे फॉलो करते हो, तुम्हारे ऐसा सोचो, ऐसा प्लान करो, ऐसा सोचिए, किसी के साथ किसी को सवाल करते हैं, किसी को बोलना नहीं हो सकता, और ये करना बहुत टफ होता है, बट कर लोगे तो ये करना बहुत टफ से हो जाओगे। अभी देखो मैं कलाम के साथ मिलने गया था, बड़े मस्ती से आराम से गिरा मिलने गया, बड़े ऐसा के एंजॉय करके कमाया, लेकिन कोई ऐसा ही नहीं कमाया। हेलो सर, सर ये सर, हाँ विकास बोलिए, हाँ विकास बोलिए। वेरी नाइस, ये होना चाहिए, देखो कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है ना उससे, देखो कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है उससे। अच्छा ही लगता है सर की बात भाई, अच्छा ही लगता है सर की बात भाई। सर मैं ये बोल रहा था, वो जो आपने बोला ना, वो जो आप बोलेंगे लिखेंगे बोल के, तो ऐसे है तो मुझे मतलब बोलिएगा, क्योंकि वैसे तो मैं बैठा रहता हूँ, कागज पेन पे लिखना कोई बात नहीं सर, हाँ सर मैं कर दूंगा, वैसे बैठे रहता हूँ। सर हाँ एक बात सर, सर 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 मैंने आप जो आपने अपडेट करके भेजने के लिए बोला था, मैंने भेजा है, आपने देखा नहीं, एक बार मैंने भेज दिया है आपको, ओके सर, ओके सर, ओके सर। बोला सर क्या